खबर भोपाल से। मछुआरा प्रकोष्ठ की बैठक में दी गई शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ की पदाधिकारी बैठक बुधवार को प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में वक्ताओं ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही प्रकोष्ठ की भूमिका पर भी मंथन किया। मछुआरा प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश सह संयोजक और जिला संयोजक शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने शासन द्वारा मछुआरा समाज के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अध्यक्षीय दोधन में प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बाबूलाल चौहान ने आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले मछुआरा महासम्मेलन की जानकारी देते हुए इसके लिए सभी जिलों में तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व उपाध्यक्ष मछुआरा कल्याण बोर्ड सीताराम बाथम ने प्रदेश में मछुआरा कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश मीणे ने सोशल मीडिया के महत्व प्रकाश डालते हुए मछुआरा प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। बैठक में प्रदेश सह संयोजक विनोद बाथम, श्रीमती रामा पारिशे, विक्रम केवट, सेवक बाथम, राजगुरु बमील, राजू रायकवार, डॉक्टर राकेश बाथम सहित 47 जिला संयोजकों ने भाग लिया। अपनी सेवाओं पार्टी की सेवाओं में निकालो और वो भी बस्तर जाकर। ऐसे मेरे साथी रहे और मेरे बोर्ड में उपाध्यक्ष रहे आदरणीय सीताराम जी बाथम जी को। ऐसे दुर्गम स्थान पर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग नहीं हुआ था तो बस्तर आपने नाम सुना होगा, वहां जा। आज प्रदेश स्तरीय जो आपने आयोजन किया था किस उद्देश्य को लेकर हुआ था? आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई थी और उस बैठक में हमारे कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी का और सरकार का जो हमारी मछुआरा प्रकोष्ठ और मछुआरा समाज को जो योगदान मिल रहा है, जो लाभ मिल रहा है, उसके बारे में समाज के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को शासन की नीतियों के बारे में भी बताया गया और संगठन की नीति और नीति के बारे में भी जानकारी दी गई। और आने वाले 2023 के इस महाअभियान में हमारी जो है कार्यकर्ताओं की पूरी तरीके से भागीदारी हो और कुछ संगठन भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ जिस तरह से झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जैस संगठन के माध्यम से या अन्य कोई संगठनों के माध्यम से कि मछुआरों का अधिकार छीन लिया गया पैसा एक्ट कानून के माध्यम से या इसके कोई अन्य शासन की गलत जानकारी देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसी को लेकर आज हमारा ये अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। हमारे सभी कार्यकर्ता जो विपक्षी गण जिस तरह इन मुद्दों को उठाकर हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा करके हमारे लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको हम किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो देंगे। कांग्रेस का मालूम है कि 2023 के चुनाव आ गए हैं, हमको वोट बैंक का गढ़ कहाँ पर है तो वोट बैंक उनको दिखता है माझी समाज, मछुआरा समाज, और मछुआरा समाज में सेंध लगाने का जिस तरह प्रयास किया जा रहा है वो हम सफल नहीं होने देंगे। और हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए की घोषणा करी है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के मछुआरों को आय को 2 गुनी करने के लिए निरंतर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी को लेकर आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और आगामी दिनों में हम दोबारा एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन और करेंगे और किसी भी तरह का कोई भी जो इनका षड्यंत्र है या हमारे कार्यकर्ताओं को भड़का लेने का या भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा है हम उसको सफल नहीं होने देंगे। खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।